होम्योपैथी फार्मासिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्विज जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम, यानी कि किस वर्ड से मिलकर बना है फार्माकोलॉजी। ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है नन। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए ग्रीक। फार्माकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ब्रांच ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी यानी कि होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं। ऑप्शन ए है फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी है फार्माकोडाइनेमिक्स, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी ए एंड बी बोथ, यानी कि होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी जो है दो ब्रांच होते हैं, फार्माकोलॉजी और फार्माकोडाइनेमिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द वर्ड सक्सेशन कम फॉर्म यानी कि सक्सेशन किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन ए है आपका फ्रेंच, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है लैटिन, ऑप्शन डी है नन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी लैटिन। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट ऑन यानी कि वो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, ऑप्शन सी है 10 जनवरी, ऑप्शन डी है 7 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी तारीख को WHO की स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा है, हु आर द चेयरमैन ऑफ WHO ऑन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में WHO के चेयरपर्सन कौन थे। ऑप्शन ए है टेड्रॉस एडोमम गेब्रेस, और बी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है नगोजी ओकनजाइट लेवला, और डी है नन। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर छठा है, हु आर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है मनसुख मांडविया, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी मनसुख मांडविया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।